हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप सभी को पहले मुबारकबाद। जिस भी कैंडिडेट ने जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट में क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हम जानते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है, तब जाके जो है आपकी सिलेक्शन हुई है, ठीक है। जो वेटिंग लिस्ट में है उनको भी हमारी तरफ से है, जेके स्टडी की तरफ से मुबारकबाद। तो जो कैंडिडेट्स इसमें सिलेक्ट नहीं हुए उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप एक काम करो, आप अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखो, ऊपर वाला आपके साथ है, आप भी सिलेक्ट हो जाओगे टाइम आने पे, ठीक है। तो बात करते हैं, आज हम कुछ नई पोस्टें आई हैं जैके SSB के थ्रू, ठीक है। ये नोटिफिकेशन नंबर है 2nd ऑफ 2021, ठीक है, 2021 की ये दूसरी नोटिफिकेशन है। इससे पहले भी 2021 में कुछ पोस्टें आई है। ये 26 यानी 26th ऑफ मार्च 2021 को नोटिफिकेशन आई है। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन सी पोस्टें हैं, इसमें क्या है क्राइटेरिया, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, ठीक है, डेट कब तक है, स्टार्टिंग डेट क्या है, सारी बात जो है हम इसमें करेंगे। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी हर एक अपडेट जो है वो आप तक पहुँचे। तो बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। तो सॉरी फ्रेंड्स, हमने ये थोड़ी कुछ दिनों के बाद लाई है आपके सामने, हम भी बिजी थे। तो बात करते हैं सब्जेक्ट एडवर्समेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल यूटी कैडर पोस्ट फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स अंडर प्रोविजंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। तो ये जो पोस्टें हैं, ये इसमें कुछ पोस्टें डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी हैं, कुछ यूटी लेवल की हैं, और कुछ पोस्टें जो है वो डिविजनल लेवल की हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसमें 52 पोस्ट हैं, रेन्यू में रेन्यू डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, उसमें 528 पोस्टेस हैं। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1444 पोस्ट हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कॉरपोरेटिव डिपार्टमेंट में 256 हैं, ठीक है। आगे है फॉरिकल्चर गार्डन्स एंड पार्क्स डेवलपमेंट में 4 हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में 21 हैं, और स्किल डेवलपमेंट में 6 पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया किस किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, ठीक है। आप अपना फॉर्म जो है वो 12 अप्रैल से भर सकते हैं, ठीक है। 12 अप्रैल 2021 से आप अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं, और फॉर्म भरने का जो पीरियड है वो पूरा 1 महीना है, 12 मई तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। कुछ पोस्टें अलग अलग हैं, हर एक के लिए आगे क्वालिफिकेशन दी है, ठीक है। तो किस पोस्ट के लिए कौन सी कितनी क्वालिफिकेशन है ये भी हम आगे बात करेंगे। टोटल पोस्टें जो है वो 2311, ठीक है, 2311 पोस्टें हैं। टोटल पोस्टें कितनी है, 2311, ठीक। अब हम बाकी नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये 157 पेजेस की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एज को भी खुद ही देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग क्राइटेरिया है, ओपन मेरिट के लिए 40 है यहाँ पे, ठीक है। यानी जो ओपन मेरिट में है 1/1/1981 से लेके 1/1/2003 तक वो यहाँ पे फॉर्म जो है वो डाल सकता है। RBA के लिए 43 ईयर्स एज यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया है एज का, ठीक है। कौन किस एज तक यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। फीस जो है इसके लिए वो 350 है, जैसे आगे आपने फीस भरी है, ठीक है, उतनी ही फीस आपको है यहाँ पे। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई, 350 फीस है। तो यहाँ से आगे हम चलते हैं,
ठीक है। एग्जामिनेशन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग भी है, यहाँ पे साफ लिखा है, यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा है कि आपने जब एग्ज़ाम देना है क्या क्या लेना है साथ, एग्ज़ाम कैसे देना है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, फॉर्म कैसे भरना है, सारी डिटेल इसमें लिखी है। तो हम सीधे आगे जाएंगे कि कौन सी पोस्टिंग किस हिसाब से है, तो उस पर भी हम थोड़ी यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिवीजन जम्मू पे एक पोस्ट है, ठीक है, डिवीजन जम्मू के लिए एक पोस्ट है। तो अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग है, ठीक है। कुछ पोस्टें जो है वो डिवीजन लेवल की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, कुछ यूटी लेवल की पोस्टें हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 10+2 और अबव क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा वगैरह भी कहीं पोस्टों के लिए यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो आप इसको आराम से खुद भी देख सकते हो, ये देखो टेलर की पोस्ट है, प्लम्बर की है, बार्बर की है, जूनियर इलेक्ट्रिकल की है, आर्टिस्ट की है, म्यूजियम की है, ठीक है, लेबॉरेटरी टेक्निकल की है, ठीक। तो इसी तरह से जूनियर स्टेनोग्राफर की है, मेडिकल असिस्टेंट की है, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की है, स्पेशल एडुकेटर की पोस्टें हैं, स्टेनोटाइपिस्ट की हैं, जूनियर प्रोजेक्टिस्ट की हैं, कारपेंटर की हैं, एक्सरे मैन की हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे बस, तो आगे हम चलेंगे, ठीक है। नर्स स्टाफ के लिए भी यहाँ पे पोस्टें हैं, ठीक है। नर्स के लिए यहाँ पे डिवीजन कश्मीर के लिए 146 पोस्टें हैं, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ये होनी चाहिए। तो इसी हिसाब से हम आगे भी चलेंगे, तो आप इसको खुद भी देखें कौन कौन सी पोस्ट है। वो धोबी की पोस्टें भी हैं, वेल्डर की यहाँ पे पोस्टें हैं, जूनियर असिस्टेंट की भी पोस्टें हैं, जूनियर स्टेनोग्राफर की है, ठीक है। कुछ पोस्टें जो है, एक बार मैं आपको फिर बताऊंगा, कुछ पोस्टें जो है वो डिवीजन लेवल की हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, कुछ यूटी लेवल की है। तो आप यहाँ पे आराम से जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीमेल MPHW की भी पोस्टें हैं यहाँ पे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे पोस्टें जो हैं वो हैं, ठीक है। किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए कम है, किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए ज़्यादा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे पोस्टें हैं। इसके बाद अगर मैं बताऊं कश्मीर डिवीज़न के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, वहाँ के लिए पटवारी की भी पोस्टें यहाँ पे हैं, ठीक है। पटवारी की पोस्टें जो हैं वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हैं जो कि श्रीनगर डिवीज़न में आते हैं, तो उनको यहाँ पे अच्छा मौका है क्योंकि बड़ी देर के बाद जो है वो पटवारी की पोस्टें जो है वो यहाँ पे आई हैं, ठीक है। ड्राइवर्स की भी यहाँ पे पोस्टें हैं, जैसे यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट है रजौरी के लिए 16 पोस्टें हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 35 वर्ड्स होनी चाहिए टाइपिंग, तब जाके आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। आगे रिटर्न एग्जामिनेशन भी है, CBT, ये यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए आप, पटवारी की पोस्टें हैं जैसे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे पटवारी की पोस्टें हैं 11, ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ उर्दू यहाँ पे लिखा है। तो आगे फिर आपका टेस्ट भी है उर्दू का भी, और ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टेस्ट भी यहाँ पे आपका होगा। अनंतनाग के लिए यहाँ पे आप 15 पोस्टें देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग पोस्टें यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखिए 36 पोस्टें हैं पटवारी की कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए, देखिए आप पटवारी की। और पोस्टें यहाँ पे 47 पोस्ट से बारामूला डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। तो आप आराम से इसको स्टडी कीजिए, नोटिफिकेशन को आराम से आप देखिए, तो आपको क्या करना है, तो आपने मेहनत नहीं हारनी है, ठीक है। तो कंटिन्यू स्टडी करनी है, तो
फॉर्म जो हैं वो फिल करने हैं, तो तैयारी करनी है, एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो बस हमने आपको यहाँ पे पूरी नोटिफिकेशन जो है वो दिखाई, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने हर एक दोस्त तक पहुँचाएं। तो अगर आपको इसके बाद कुछ भी राय चाहिए, हाँ आप हमसे पूछना चाहते हैं, या आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9906153827, ठीक है, ये हमारा नंबर है, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। सब कुछ हम आपके लिए जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। तो हम आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू बोली सो मच सारे फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।